जी हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानमस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। 50,000 महात्मा गांधी प्रेरकों की होगी नियुक्ति, गांधी दर्शन का प्रचार प्रसार और गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों का संचालन करेंगे। प्रेरकों को 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। 1 साल का होगा कार्यकाल। प्रेरकों की योग्यता और कार्यकाल, शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ये समकक्ष रखी गई है और कार्यकाल 1 वर्ष होगा। इसकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की होनी चाहिए। चयन के लिए उपखंड स्तर पर समिति बनाई जाएगी और समिति के निर्णय के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। अगली खबर है रीट पेपर लीक में ईडी की पहली गिरफ्तारी। जयपुर में हुई पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा किया, कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रीट 2021 पेपर लीक मामले में ईडी ने पहली गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा को बुधवार को एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रामकृपाल को 7 जून तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। सीनियर अफसर भी करेंगे पूछताछ। अगली खबर है पेपर लीक मामले में सीकर के 3 कॉलेजों में लिखवाए थे सवाल, एसओजी की चार्जशीट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में बाबूलाल कटारा और भांजे विजय ड्राइवर गोपाल के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एसओजी ने चार्जशीट में माना है कि शेर सिंह मीणा एक ही नहीं 4 कोचिंग सेंटरों में 1 अभ्यर्थियों को पेपर बांटा था। जयपुर में 4 कोचिंग सेंटरों के 100 करीब अभ्यर्थियों ने इकट्ठे किए थे, जहां शेर सिंह मीणा ने खुद बोल बोल कर सवाल लिखवाए थे। अगली खबर है महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में शिक्षकों के चयन के लिए लाने होंगे 40% अंक, आवेदन की अंतिम तिथि आज। 30 नंबर का अंग्रेजी में लिखित टेस्ट भी देना होगा। अगली खबर है शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदन 30 जून तक। कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में शॉर्ट लिस्ट किए 92,915 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तैयारी शुरू कर दी है। दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध की गए अभ्यर्थियों को 21 जून से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। दस्तावेज सत्यापन का शुल्क भी ऑनलाइन जमा कराना होगा। अगली खबर है सीईटी यूजी के आधार पर पहली भर्ती ऑनलाइन, इसके आवेदन नंबर जरूरी होंगे। जूनियर अकाउंट के 5,190 पदों पर होगी भर्ती। एसएसओ पोर्टल से आवेदन 26 जुलाई तक होंगे। राजस्व लेखाकार के 170 पदों पर भी भर्ती निकाल की गई है। अगली खबर है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की मांग को लेकर अनशन शुरू। जोधपुर में प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग को लेकर बुधवार को राजस्थान शिक्षक संघ और पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश संघर्ष समिति के संयोजक शंभू सिंह मेड़तिया ने कलेक्टर के बाहर अनशन शुरू किया। संघ के जिलाध्यक्ष जवरी लाल आर्य और प्रदेश संगठन मंत्री संतोष सिंह सनली ने बताया कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक के स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं। अगली खबर है हाईकोर्ट के बिना अनुमति के परिणाम जारी, अब प्रशासन ने जारी किया नोटिस। जिनकी याचिकाएं विचाराधीन उनका परिणाम निर्णाधीन रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट में कनिष्ठ न्यायिक सहायक ओलंपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 के परिणाम को लेकर रजिस्ट्रार परीक्षा ने नोटिस जारी कर दिया है। टाइप टेस्ट और दक्षता परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में कई अभ्यर्थियों ने याचिकाएं पेश की थी, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश से उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनका परीक्षा परिणाम हाईकोर्ट की अनुमति से जारी किया जाना था। अगली खबर है आरएएस भर्ती 2021 के साक्षात्कार की मांग उठी। आरएएस भर्ती 2021 के साक्षात्कार जल्द शुरू करवाने की मांग उठने लगी है। आरएएस मुख्य परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों ने बुधवार को जल्द साक्षात्कार करवाने की मांग को लेकर कार्य विभाग की सचिव आरती डोगरा ने मुलाकात की है। अगली खबर है रीट मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू। शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी 30 जून तक कर सकेंगे अप्लाई, मेरिट के आधार पर होगा सिलेक्शन। अगली खबर है दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए यूजी की डिग्री अनिवार्य। रीट में चयनित अभ्यर्थियों एमडीएस विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए भटक रहे हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों को दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए यूजी की डिग्री भी ऑनलाइन अपलोड करनी है, लेकिन एमडीएस यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने के बाद भी डिग्री नहीं मिल रही है। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि डिग्री विभाग के बाबू ने उन्हें बाद में आने का कहकर रखा दिया है। हालांकि डीआर टिग्विजय सिंह ने अभ्यर्थियों को समझाया और जल्द ही डिग्री जारी करवाने का आश्वासन दिया है। अगली खबर है रीट 2021 पेपर लीक मामले में रामकृपाल मीणा को 27 जून तक ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। वहां पर होगी उनकी पूछताछ।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।